यूपी में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सत्ता की हनक और बीजेपी कार्यकर्ताओं का अत्याचार देखने को मिला। इसके साथ ही साथ पुलिस की भूमिका भी काफी संदिग्ध रही और कई जगह तो पुलिस सत्ता पक्ष की मदद करते हुए भी नजर आई, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। उसी को लेकर बौखलाए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला और पुलिस पर गंभीर सवाल किए हैं, जिसे लेकर बीजेपी तिलमिला गई है और अब बीजेपी अखिलेश यादव पर हमला कर रही है और पुलिस का बचाव कर रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया, लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया और बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर बड़ा काम किया। इस सफलता पर गर्व करने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश जी बताएं कि उनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, यह तुष्टिकरण की राजनीति। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमला बोला और समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह डाला। इसके साथ ही साथ आगे कहा कि भाई अखिलेश यादव पहले अपने गिरेबान में झाके, हार से बौखलाए अखिलेश अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो सरकार ने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों पर नकेल कसने का काम किया है और इसी वजह से प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायती चुनाव हो सके। जनता ने योगी सरकार की नीतियों पर अपना भरोसा जताया है, बीजेपी उम्मीदवारों की ऐतिहासिक जीत हुई है। सिद्धार्थ सिंह ने आगे ये भी कहा कि भाई समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है और अपनी करारी हार से तिलमिलाए अखिलेश कुछ भी बयानबाजी करने से नहीं चुक रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश के आरोपों पर हमला बोला। पंचायत चुनाव में बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल हुआ, समाजवादी पार्टी के राज में बीडीसी सदस्य और उम्मीदवारों का अपहरण किया जाता था और खून की होली खेली जाती थी और ये हमें कानून के बारे में सिखा रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव पर दिल्ली से हमला हुआ। जी हाँ, बीजेपी आईटी सेल के नेशनल इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा, अखिलेश यादव ने पहले वैक्सीन पर शक किया, अब कहते हैं आतंकियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं कर सकते। जब इन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, ना प्रदेश की जनता पर ना प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं घर बैठे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे बीजेपी ने अखिलेश यादव का घेराव किया है और किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि भाई इस पर समाजवादी पार्टी क्या करती है, क्या उसी तरह जवाब देती है या कन्नी काट के निकल जाती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो जनसंख्या कानून राजनीति का केंद्र बना बैठा है।